वेलकम बैक टू माय चैनल कीबिशा। आज मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आप पा सकते हैं हेल्दी शाइनी बाउंसी कर्ल्स। बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सा रूटीन मैं फॉलो करती हूँ और ये रूटीन को मैं फॉलो करना बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। अगर मुझे आज शैम्पू करना है और मैं किसी भी वजह से अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ तो मैं शैम्पू भी नहीं करती, मैं नेक्स्ट डे उसे शैम्पू कर लेती हूँ बाल को। तो ये है मेरा सिंपल सा बेसिक सा रूटीन। सो जल्दी से जानते हैं कि मेरा बेसिक सा रूटीन क्या है और अभी मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, क्या नहीं यूज़ कर रही हूँ, सब अच्छे से मैं आपको बताती हूँ। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होता है जो मैं हमेशा करती हूँ वो है ऑयलिंग। मैं बिना ऑयलिंग के अपने बालों को नहीं धोती हूँ क्योंकि उससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं ड्राई, रफ, फ्रीजी, अनमैनेजेबल। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये विल्वा का हेयर मास्क। इससे मेरी ऑयलिंग भी हो जाती है और हेयर मास्क का भी काम कर देता है। सो ये 2-in-1 का काम कर देता है। ये जो हेयर मास्क है वो ऑर्डिनरी हेयर मास्क की तरह क्रीम कंसिस्टेंसी का नहीं है, ये ब्लेंड ऑफ नेचुरल ऑयल्स है। सो जब भी मुझे इसे लगाना रहता है तो मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ और इसे मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। सो नेचुरल मास्क की तरह मैं इसे अप्लाई करती हूँ। सो उस दिन मैं ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ, रेगुलरली मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ शैम्पू के लिए। बॉटल का प्राइस है 690 rupees 100 ml के लिए और इसकी लाइफ है 8 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट में साफ साफ बताया गया है कि कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक्स है, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। तो ये ब्रांड हमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल दिया और सब छुपा दिया है। जो है जैसा है 100% की एकदम क्लीन हमें दिखा रहा है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मीन्स बहुत ब्रांड अपने इंग्रेडिएंट्स को छुपाना चाहते हैं लेकिन इसने सब बताया है। मास्क को मैं रूट से लेके एंड तक लगाती हूँ ताकि मुझे पूरा नरिशमेंट मिले इस मास्क का। ये लगाने के बाद मैं अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प पर मसाज देती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इस तरीके का बन बना करके 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। शैम्पू करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये विल्वा का गोट मिल्क शैम्पू। सीरियसली ये शैम्पू मुझे बहुत दिनों से ट्राई करना था, मतलब इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छा अच्छा रिव्यू देखा था। सो मेरा बहुत ही मन था इस शैम्पू को ट्राई करने का। सो फाइनली मेरे पास भी है विल्वा का गोट मिल्क शैम्पू। तो इसे मैं 3 से 4 वीक से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। मीन्स पहले ही दिन से ये शैम्पू और कंडीशनर मेरा फेवरेट हो गया। मीन्स इतने बाल को शाइनी स्मूथ बना दिया था और मुझे लग रहा था कि शायद ये सल्फेट, पैराबेन, सिलिकॉन फ्री शैम्पू है तो झाग नहीं देगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से बाल को क्लेंस करता है, झाग देता है। और मास्क या ऑयल लगाने के बाद ऐसा नहीं होता है कि मेरे बाल अच्छे से क्लीन नहीं होते, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, ड्राई आउट भी नहीं करता है। और ये ऑर्गेनिक है, प्लांट डिराइव शैम्पू है और इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन के वजह से बाल में जो प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है वो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। इसकी एक और बात अच्छी है कि ये पीएच बैलेंस्ड है और इसकी प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो ये है 590 rupees का 200 ml और इसकी शेल लाइफ है 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। लेकिन अगर आप इस बॉटल को खोल देते हैं तो ये बॉटल सिर्फ 6 महीने चलेगा। सारे के सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, मीन्स लगता है ये डिफरेंट टाइप के इसमें आता है। इसका पंप का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और अगर मैं इसकी स्मेल की बात अगर करूं तो ये एकदम जैस्मिन जैसा है और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ भी है जैस्मिन। मुझे जैस्मिन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप वो हैं जिसे स्मेल से थोड़ी सी इशू है तो प्लीज़ ये बात को ध्यान में रखिएगा कि हाँ इस प्रोडक्ट में स्मेल है जैस्मिन जैसा। जैस्मिन एसेंशियल ऑयल अगर आप कभी यूज़ किए तो एकदम वैसा ही स्मेल है इस प्रोडक्ट का। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से एकदम झाग दे रहा है और बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। कंडीशनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये विल्वा का क्रीम कंडीशनर।
ये बाकी कंडीशनर से बहुत ही ज्यादा अलग है। मींस पहले दिन जब मैंने इसे लगाया था, मैं तब से ही इस कंडीशनर की फैन हो गई हूँ। मींस ये इतना अच्छा है, मैं रेगुलरली जो कंडीशनर यूज करती थी उससे मुझे 10 से 20 पंप यूज करना पड़ता था एक बार कंडीशनर लगाने के लिए, ताकि मेरे बाल अच्छे से कोट हो जाए। लेकिन ये 3 से 4 पंप में मेरे पूरे बाल पे लग गया था, बहुत ही स्मूथ फील हो रहा था और बहुत ही अच्छा स्लिप है इस कंडीशनर का। ये कंडीशनर सिलिकॉन पैराबेन सल्फेट फ्री है। इवन विल्वा के सारे प्रोडक्ट्स सिलिकॉन पैराबेन सल्फेट मिनरल ऑयल फ्री होते हैं, और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट पे ऑलरेडी मेंशन है कि ये कर्ली वेवी फ्रिजी डैमेज्ड हेयर के लिए है। इसकी प्राइस है 750 रुपीज फॉर 200 ml, और इसकी लाइफ है 12 months, और अगर आप बॉटल खोल देते हैं तो सिर्फ 6 महीने आप यूज कर सकते हैं। मैं कंडीशनर को अपने बालों पे पूरे तरीके से अच्छे से लगा लूंगी, हर एक स्ट्रैंड को अच्छे से कोट कर लूंगी कंडीशनर से। कंडीशनर को लगाने के बाद मैं 15 से 20 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से मेरे बालों को नरिश कर दे। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने बालों को धोने के लिए। मैं धोते टाइम ही बालों को डिटैंगल करती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बाल डिटैंगल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं शैम्पू कंडीशनर और मास्क यूज करने के बाद मेरे बाल कितने ज्यादा शाइनी हो गए हैं। जो कंडीशनर मैं यूज करती हूँ उसी को मैं एज अ लीव इन भी यूज कर लेती हूँ, कोई अलग प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ। अच्छे से अपने बालों को कोट कर लूंगी कंडीशनर से, उसके बाद मैं कंघी कर ले रही हूँ ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। स्टाइलिंग करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सेटवेट जेल, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल जेल है और मैं यही यूज करती हूँ। मैं अच्छे से इस जेल को लगा लूंगी, उसके बाद अपने बालों को इस तरीके से स्क्रंच कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ से पानी निकल रहा है। स्क्रंच करने से कर्ल का पैटर्न बनता है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मेरे कर्ल्स का पैटर्न फॉर्म हो गया है। फिर मैं रेगुलर टी शर्ट से अपने बालों को प्लॉप कर लेती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर डिफ्यूज़र यूज़ करती हूँ अपने बालों को ड्राई आउट करने के लिए। आप देख सकते हैं प्लॉप करने के बाद भी कितने अच्छे से कर्ल्स का फॉर्मेशन हुआ हुआ है। मैं डिफ्यूज़र से अपने बालों को 80-90% ड्राई करती हूँ, उसके बाद अपने मैं बालों को एयर ड्राई करती हूँ। मेरे बाल अब 100% ड्राई हो चुके हैं और जेल कास्ट आ चुका है। जेल कास्ट में देख लिए मेरा बाल कैसा लग रहा है। लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने अपना सेटअप चेंज कर लिया। अब आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं मेरे बाल कितने शाइनी लग रहे हैं, अभी मेरे बाल जेल कास्ट में हैं। लास्ट स्टेप होता है स्क्रंच करना। स्क्रंच करने के लिए मैं ऑर्गेनिक ऑयल यूज करती हूँ। स्क्रंच करने से जेल कास्ट ब्रेक डाउन हो जाता है और कर्ल्स का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत अच्छे से। तो अब रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं मेरा हेयर केयर रूटीन का क्या रिजल्ट आता है। सो ये है विल्वा वॉश डे का रिजल्ट, मेरा सिंपल सा हेयर केयर रूटीन जो मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा लगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कर्ल्स एकदम कर्ली कर्ली हो गए हैं। और सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। अगर आपका शैम्पू कंडीशनर मास्क खत्म हो गया और अगर आप लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार विल्वा को जरूर से ट्राई करिएगा, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। क्योंकि एक बार ही यूज किया और मैं विल्वा की फैन हो गई हूँ। मीन सीरियसली इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे दिया। मैं उम्मीद नहीं करी थी कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे विल्वा से मिलेगा, स्पेशली कंडीशनर से। जस्ट मतलब ये ऐसा कंडीशनर है जिसे मैं यूज की हूँ और ये 2 से 4 पंप में मेरा काम कर दिया है। अच्छा लगा शैम्पू मास्क, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला है मुझे ये यूज करने के बाद। सो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं विल्वा के सारे प्रोडक्ट्स,
सो मैं नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये था मेरा हेयर केयर रूटीन। अभी करेंटली मैं विल्वा के सारे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। आई एम जस्ट लविंग माई हेयर एंड रिजल्ट फ्रॉम विल्वा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर करें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं, और भी ऐसे कर्ली रिलेटेड वीडियोज के लिए, प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए। और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको और किस तरीके के वीडियोज चाहिए।